मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। 11 साल बाद होंगे सहकारी समितियों के चुनाव, जहां 24 जून से 9 सितंबर के बीच चुनाव होंगे। चार चरणों में होंगे चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे और इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर अपेक्स बैंक के चुनाव होंगे। इसके पहले 2013 में हुए थे सहकारी समिति के चुनाव और अब ये एक बार फिर 11 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। 11 साल बाद होंगे सहकारी समितियों के चुनाव। 24 जून से 9 सितंबर के बीच चुनाव होने की बात। चार चरणों में होंगे चुनाव। 4500 से ज्यादा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में चुनाव होंगे। इसके बाद जिला सहकारी बैंक और फिर अपेक्स बैंक के चुनाव होने। और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, 11 साल बाद सहकारी समितियों के चुनाव होने की बात कही जा रही है। आप बिल्कुल देखिए, सहकारिता समितियों के जो चुनाव हैं उनकी तैयारियां अब जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और सितंबर तक चार चरणों में अलग अलग जो सहकारी समितियां होती हैं, चाहे वो किसानों से संबंधित हो या फिर बैंकों की अगर हम बात करें, तो इन समितियों के जो चुनाव हैं वो कराए जाएंगे। बड़े पैमाने पर जो प्रबंधन का काम है वो सहकारी समितियां देखती हैं, चाहे फिर खाद बीज की उपलब्धता की बात हो, किसानों की अलग अलग जरूरतों और आवश्यकताओं की बात हो, वित्तीय प्रबंधन की बात हो, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो सहकारी समितियों के कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग होती है और सरकार के साथ मिलकर सहकारिता जो समितियां हैं वो काम करती हैं, जिससे सीधे तौर पर जनता का जुड़ाव होता है। खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, वहां पर व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन करने के लिए, सरकार की तमाम सारी जो योजनाएं होती हैं उनका संचालन करने में सहकारिता समितियों का एक अपने आप में अहम योगदान होता है। और लंबे अरसे से सहकारिता समितियों के चुनाव नहीं हो पाए थे। सहकारिता समितियों में जनप्रतिनिधियों का होना भी बेहद आवश्यक होता है, ताकि जो तमाम सारी जरूरतें हैं और जो सरकार के साथ बहुत सारे कामकाज चलते हैं, जो अलग अलग तरीके की डील्स होती है, करार होती हैं, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका हो जाती है। तो अब सहकारिता समिति के चुनाव हो रहे हैं तो एक नया रंगरूप जो है वो इन समितियों का कहीं ना कहीं नजर आएगा और उम्मीद ये की जा सकती है कि चुनाव के बाद और बेहतर रूप से जमीनी स्तर पर जो समितियां हैं वो कामकाज कर सकेंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बेहतर तरीके से समितियां काम काज कर सकेंगी। एक बार फिर से 11 साल बाद चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे ओडिशा, जहां भोपाल से भुवनेश्वर